हमारा टॉपिक है जी डेजर्ट इकोसिस्टम। इसमें हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं वो क्या हैं, एनिमल और प्लांट लाइफ वहाँ पे कैसी होती है। तो डेजर्ट को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसा कोई बैरन लैंड, बैरन एरिया जहाँ पे कोई वेजिटेशन जो है वो ना हो या बहुत थोड़ी हो, और वहाँ का जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम हो। जो लैंड सरफेस है वो कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड हो सन से या हॉट एंड इन्वायरमेंटल ड्राई कंडीशन से। जो डेजर्ट का इकोसिस्टम है वो ड्राई इन्वायरमेंट्स में आता है। स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेल अडेप्टेड टू दैट इकोसिस्टम। जो उस इकोसिस्टम में रहने वाले प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो वेल अडेप्टेड हैं, उनको पता है हाउ टू कोप विद दैट इन्वायरमेंटल कंडीशंस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। द डेजर्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स हॉट डेजर्ट्स, सेमी एरिड डेजर्ट, एरिड हैं, कोल्ड हैं एंड कोस्टल डेजर्ट्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसकी देखें तो स्कैंट रेनफॉल है, लिटल प्रेसिपिटेशन इन डेजर्ट एरियाज, रेयर वाटर सोर्सेज हैं उनके, ड्राउट कंडीशंस हैं और प्रेवेलेंट इन द डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हम इसमें लोकेशंस देखेंगे कि मेनली किधर किधर पाए जाते हैं। जो इकोसिस्टम है एक्सट्रीमली वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द डेजर्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अ कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम आल्सो एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। लोकेशन क्या है, इट्स लोकेटेड इन पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, चोलिस्तान पंजाब, भावलपुर, थल पंजाब, भक्कर, थार सिंध पंजाब, सिंध सागर दुआब और लैया हुशाब। खारान डेजर्ट है बलूचिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान, कतपाना। कोल्ड डेजर्ट है गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू में। क्लाइमेट क्या होता है इसका, वो एरिड एंड सेमी एरिड में हम करेक्टराइज कर देते हैं। टेम्परेचर रेंज करता है 4 to 40 डिग्री की। कहा जाता है कि रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ की जो रातें हैं वो बहुत ठंडी होती हैं और जो दिन हैं वो बहुत गर्म होते हैं। वह 40 डिग्री दिन का है, 4 रात का, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। विंटर्स आर माइल्ड एंड समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट। विंटर्स जो हैं वो माइल्ड होते हैं और समर तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द रिकॉर्डेड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज 250 मिलीमीटर। वेजिटेशन देखें अगर तो वो उसमें प्लांट्स की है जी, फोग, वाइल्ड ग्रेन ग्रास, इंडियन बेडिलियम ट्री या गुगुल, हुक्ड मिमोसा, रेंजुआ, गम अकाशिया, झांड या खिजीरी, मस्टर्ड ट्री, एथल ट्री, इंडियन जुजुबू। और जो एनिमल्स हैं उनमें यूरियल, लेपर्ड, चिंकारा, ब्लैक बक, काराका या वाइल्ड कैट, रूफियस ट्राइडेंट बैट, स्मॉल माउस, टेल बैट और रेड फॉक्स है, मिसोनेस जीकू है और स्ट्रिप्ड हाइना है। इसको भी थ्रेट्स हैं कि जो इन एरियाज में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज दिस प्रॉब्लम इज एक्सर्बेटिंग। वाटर रिसोर्सेज आर गेटिंग डेप्लेटेड लीडिंग टू द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। द रीजंस इज इनएडिक्वेट मैनेजमेंट और इनअप्रोप्रिएट कंजप्शन। मैनी एरियाज जो हैं आर टर्निंग इन टू बैरन लैंड्स। डेजर्टिफिकेशन की वजह से वो बैरन लैंड्स बन रहे हैं। ये प्रोसेस जो है इनको इन्फ्लुएंस करते हैं ड्राउट्स और ओवर ग्रेजिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी अपना एक रोल प्ले करती है जिसकी वजह से इन एरियाज को ज्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं। जो डेजर्ट इकोसिस्टम है होस्ट वाइल्ड लाइफ दैट इज डिक्रीजिंग इन नंबर्स ड्यू टू किलिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड। उन एरियाज में वाइल्ड लाइफ को ज्यादा खतरे हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा इलीगल ट्रेड हो रही है, किलिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है। और इंट्रोडक्शन टू इन्वेसिव स्पीशीज इज सीरियस थ्रेट टू प्लांट लाइफ। पीकॉक्स जो है ये कॉमनली हमें वहाँ ही मिलते हैं और इनकी जो नंबर है वो भी पर द ईयर कम हो रही है, या तो हर साल मर जाते हैं ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन एंड सम अदर डिजीजेस। कोल माइनिंग की वजह से भी इनको थ्रेट है इकोसिस्टम को क्योंकि ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है वहाँ के लोगों की जिंदगी को, और सॉइल इरोजन जो है वो कॉमन है वहाँ पे। इम्पोर्टेंस क्यों है, इसने काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ को संभाला हुआ है। एक वाइल्ड लाइफ का एक खास पोर्शन है जिसको डेजर्ट इकोसिस्टम सपोर्ट करते हैं। यूनिक स्पीशीज हैं वल्चर्स की हमारे पास,
और जो डेजर्ट एरियाज हैं आर अ सोर्स ऑफ सैंड, डेजर्ट एरियाज आर फेमस फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, और जो पीपल हैं इनहेबिट फ्यू प्लेसेस इन द डेजर्ट. व्हाट देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ओएसिस. जो चोलिस्तान है, डेजर्ट रैली इज हेल्ड एनुअली इन द साउथ ऑफ पंजाब. दिस शोज द लैंडस्केप ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान.